करके बताओ। हाँ हाँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इसको बैक करो जरा। अरे किसको बैक करे? ये जो चला रही है। नहीं वो बैक नहीं होगा, हम कुछ देख रहे हैं। अरे हमको जाना है यार। अरे तुमको जब हम कुछ देखे तभी तुम्हें क्यों कहीं जाना होता है? और तुम्हें मोबाइल में कहाँ जाना है? तुम एक बार इनका मोबाइल थोड़ी देर के लिए भी छू लो ना, तो इनको यहाँ जाना है वहाँ जाना है मोबाइल में ही घूमते। अरे लोग मतलब चलो बाहर घूमते ठीक है, ये मोबाइल में घूमते रहेंगे, कभी बोलेंगे यहाँ जाना है वहाँ जाना है, जाओ जहाँ जाना है। हम रिकॉर्डिंग अपना कुछ और कर रहे हैं। अरे तुम कुछ भी दिखाओ क्या पूरी दुनिया को? हम कर कुछ और रहे थे, हो कुछ और जाता है। मतलब मुझे करना एक्चुअली कुछ और था लेकिन सीन कुछ और ही हो जाता है। चलो हो गया जो हो गया। सुबह सुबह पता नहीं क्या खुलबुल खुलबुल किया करते हो तुम। अरे जा यार, हम चार्जर ढूंढ रहे हैं, हमारा चार्जर नहीं मिल रहा। ऑफिस में छोड़ कर आए होगे? मेरा कुछ भी छूना मत सामान। ऑफिस में चार्जर क्यों छोड़ के आएंगे? मिल गया? नहीं मिला, इतना सा मिला है। अब मेरे में घुसल दोगे ना? अरे अपने में लगा रहे हैं, तुम्हारे में क्यों लगाएंगे? ठीक है मैडम। 10 बजे उठ के मंजन कर रही है, देखो इधर देखो इधर, हम ये भी दिखाएंगे लोगों को। तो मंजन करना कोई बुरी बात है क्या? नहीं मंजन करना बुरी बात नहीं है, 10 बज गया है, 12 बजे का 12 बजे हमको लक्की को लेकर के जाना है हॉस्पिटल। तो कल ही मैंने बात कर लिया था, तो कब जाऊंगा? अभी तक नाश्ता नहीं बना, कुछ नहीं बना। तुमको नाश्ता मिल जाएगा ना तुम्हारे टाइम पे? क्या घर में खाना हो रहा है? बनाएंगे खाने के लिए प्याज के पराठे। इतना जब डायलॉग मारा तब जाकर के तुमने शुरुआत किया है? तो मतलब क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो ऐसी बातें? अरे हम पैदा ही भूखे हुए थे। तो तुम क्या चूहे कूद रहे इधर से उधर? हां तो चूहे मार छोड़ कर आओ घर में, तभी चूहे आए थे उस दिन। ये मतलब उस दिन चूहा तुम्हारे पेट से निकल के आया था, घर में आया था। रहेगा तो निकलेगा ही ना, अंदर वाले चूहे अंदर ही रखो, बाहर नहीं निकलते। अच्छे से घर को डायलॉग मत मारो, जल्दी से बने नहीं अभी तक। अरे गैस इतनी धीमे कैसे हो गई है? थोड़ा तेज करो तब बनेंगे पराठे। तेज करो ना, तुम करके गए होगे स्लो। हम क्यों स्लो करेंगे? अरे बना तुम रही हो, हम तो तुम्हें गैस से क्या लगा देना, खुद करो। टाइम हो रहा है 10:30 ठीक है। अब इनको देखो जो बैठ के ये गुप 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 खा रहे हैं, कर रहे थे ब्रश कर रहे थे, तब तो तुम बराबर दिखा रहे थे कि देखो अभी टाइम हो रहा है 10 और ब्रश कर रही है, और तुमको 10:30 बजे मैंने बना करके नाश्ता दे दिया, वो नहीं दिखाया पब्लिक को। जब दिखाओ तो पूरा सच दिखाओ ना। ये खाएंगे कि दिखाएंगे? हाँ खाली गलती दिखाने का। बना बढ़िया ले। चलो एंजॉय। कुछ मेरा पूछ को अब लेट नहीं हो रहा है ना? क्या हो गया? क्या हो गया इधर सुनो, क्या हो गया बोलो। नहीं अब लेट नहीं हो रहा, अभी तुम्हारी बड़ी आफत मचा के रखी थी मेरे ब्रश करने के टाइम पे कि मुझे लेट हो रहा है, दोस्तों देखो ये ब्रश कर रही है, खाना नहीं दिया, मैं भूखा रहता हूँ, जन्मों का भूखा हूँ, सदियों का भूखा हूँ। अब तुमको लेट नहीं हो रहा क्या? हो अभी अब तुम भागो यहाँ से, क्योंकि उस टाइम पे बड़ा नाटक कर रहे थे तुम। नहीं अभी टाइम है, अभी 11 बजे है। 11 बजे जाओ, खाली उसी में आफत करने आता है। भूख लगी थी तो ये तुमको बोलना चाहिए था कि मुझे भूख लगी है मुझे खाना दे दो, ये लकी का बहाना क्यों कर रहे थे? तुम क्या बोलने जा रही थी बोलो ना, तो सुनेंगे कि ऐसे सुन लेंगे बिना बोले हम, क्या भगवान है क्या? अरे भाई तो बता रहे कुछ बोलने जा रहे थे। हाँ तो बोलो 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 बोलो। अरे भूल गए? तो भूल गए तो चुपचाप रहो फिर, मत बोलो, याद करो फिर उसके बाद में बोलो। मुझे इतना कुछ याद नहीं है, मैं क्या बोल रहा था। हाँ पहली बात तो ये, थोड़ी तारीफ वारीफ कर दिया करो, लाइक वाइक फॉलोअर सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही लोगे। हाँ ठीक है। और दूसरी बात ये कि मेरा डॉग ना महीने में 4-5 दिन बीमारी हो जाता है, मेरे समझ में नहीं आता आखिर इसको हुआ क्या है। अभी भी देखो खाना उसको ज़बरदस्ती खिलाते हैं और 2 दिन से खेल नहीं रहा है, एकदम शांत शांत बैठा है। आज मैंने अपॉइंटमेंट लिया है 12 बजे का डॉक्टर से। टाइम हो रहा है 2:40 और मैं अभी नहा करके आ गई हूँ। हम दोनों साथ में व्लॉग नहीं आएंगे, एक ही फ्रेम में नहीं आएंगे, हम अलग अलग वीडियोस बनाएंगे मैंने सोच लिया है, क्योंकि हम लोग साथ में आते हैं ना तो हमारा झगड़ा हो जाता है, आज बहुत गंदा वाला झगड़ा हो गया है।
और अभी मेरा मूड खराब हो गया तो उसको ठीक करने के लिए मैं जा रही हूँ कुछ इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने के लिए। वाले कुछ बता रहे हो उसको करना जब अपने मन का है तो फिर मेरे सामने मत बोलो ना कि हाँ 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 मत बोलो, साफ साफ बोल दो कि हाँ मुझे नहीं करना है ये चीज़, तो बुरा नहीं लगता है। तुम उसको मुंडी ऐसे हिलाते रहते हो कुछ भी बोलो रोबोट की तरह, और जब करने का टाइम आता तो करना अपने मन का होता है। अभी झगड़ा हो गया बहुत गंदा वाला। आज से हमने डिसाइड किया है कि ना हम ब्लॉग में साथ में आएंगे ना हम एक साथ एक रूम में रहेंगे। अब से मैं इस बेडरूम में रहूंगी, अब उनको वहीं पर रहना है और मैं यहाँ पर रहूंगी। किसी से कोई लेना देना नहीं है आज के बाद, मेरे से कोई उनके बारे में मत पूछना ना उनसे कोई मेरे बारे में पूछना। वैसे तो मैं बात करने वाली नहीं हूँ लेकिन यार मुझे लगी है भूख बहुत जोर से और मैंने कुछ बनाया नहीं है गुस्से की वजह से। और यार मेरे से होता नहीं कि मैं अकेले खा लूँ, तो अब मुझे पूछना तो पड़ेगा ना। अभी शॉर्टकट में मैगी ही बन सकती है। एक्चुअली प्लान हमारा कुछ और था बनाने का लेकिन ये झगड़े की वजह से सब चौपट हो गया। चलो देखते हैं। अभी मुंह बना करके खराब है क्या? नहीं, मुंह बना करके वहां से भागा है। उसके बाद में दोपहर में कुछ खाना पीना नहीं है क्या? मुझे तो भूख लगी है। तुमको रोका है क्या? तो तुमको खाना है कि नहीं खाना है? नहीं खाना। जिसको जो करना है वो करे, मुझे क्या करना है वो मुझे पता है, बस बात खत्म। मैं अच्छी हूँ बुरी हूँ, मैं जैसी हूँ मैं ऐसी ही हूँ और मैं ऐसी ही रहूंगी। देखिए मैं इतने प्यार से पूछने गई थी खाना खाने के लिए ना, और किस तरीके से बात करी है। तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ ना कि यहाँ पीछे 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 घूमूँ। मुझे क्या करना है, खाओ मत खाओ, मुझे भूख लगी है। मैंने तो अपने लिए बनाया और अब मैं मस्त खाऊंगी। जिसको खाना है खाए, जिसको भूखा रहना है भूखा रहे। मैं बाबा ये भूखा भूखा रहने वाला नाटक नहीं करती हूँ। खाओ पियो मस्त रहो, लड़ाई झगड़ा अपनी जगह। हेलो दोस्तों। अच्छा पता नहीं कितना जोर से आकर के कौन चिल्लाता है और किस बात पे आकर के झगड़ा करने लगी, समझ में नहीं आया। बहुत दिमाग खराब हुआ था मेरा। खाना कोई ऐसा पूछता है क्या? और बाद में मैडम ने खुद अपना जाकर के मैगी बना के खा लिया, किस बात पे झगड़ा? तो बाद में मैंने भी बना के खा लिया। झगड़ा अपनी जगह पे, खाना अपनी जगह पे। मुझे किसी काम से आना था तो मैं आ गया। अभी मेरा काम खत्म हुआ है, थोड़ा दूर है, जाने में टाइम हो जाएगा। अभी मैंने कॉल किया था तो पता नहीं उठाया नहीं। अभी रात का खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा भगवान जाने। दोस्तों आ गया हूँ घर पे, किचन में झांक के आया हूँ तो देखा हूँ खाना तो बन रहा है, दिखाता हूँ आपको भी क्या हो रहा है। लक्की हमारा खेल रहा है, थोड़ा ठीक लग रहा है। ये बताओ फोन क्यों उठा रहे थे? मेरी मर्जी, मेरा फोन। तुम फोन पे बोल उठा के बता देती तो मैं खाना ले आता, बनाना नहीं पड़ता। नहीं हमें जरूरत नहीं है, भगवान ने मुझे हाथ पैर दिए हैं ना तो हम बना सकते हैं। तो अगर हाथ पैर दिए थे दोपहर में, हाथ पैर कहीं चले गए थे क्या दोपहर में बना देती? अच्छा दोपहर में तुमने कितनी जोर से मेरे ऊपर चिल्लाया था, हम कभी चिल्ला के बात नहीं करते तुमसे। अच्छा इतना जोर से चिल्ला के उठाने की क्या जरूरत थी? तुम मेरे से बात मत करो, जाओ हमको बात ही नहीं करनी। तुमको हुआ क्या ये तो बताओ, तुम चिड़ी किस बात पे हो? हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है। वो मुझे भी याद नहीं आ रहा है। लो मैडम चिड़ी हैं और मैडम को याद ही नहीं आ रहा है। अरे इधर देखो, हम इतना मुझे याद है कि हम तुमसे गुस्सा है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि हम क्यों गुस्सा है, हम भूल गए। तो वो पता करो क्यों गुस्सा हो। बस वही मुझे इतना याद है कि हम तुमसे गुस्सा है और वही बात पकड़ के बैठे। सब खाना बना रहा है, क्या बनाया? दाल बनाया है, आलू प्याज की सब्जी बनाने जा रहे हैं। हाँ। चावल बनाएंगे, रोटी आटा कर दिया है पीछे। हाँ। और रोटी आटा हो गया। अरे वाह कैसा आटा तो हो गया, कितना सब बनाया है। सुबह के टिफिन की तैयारी भी कर देंगे साथ में। अच्छा लकी थोड़ा खेल रहा है अभी, थोड़ा उसको दवा दी लाया है। बात मत करो हमसे, हम अपने से बात कर रहे हैं ठीक है ना। अरे यार तुम गुस्सा नहीं होते ऐसे? नहीं नहीं हम, मैं बना दूं खाना। हम तो क्या हम खाने के लिए गुस्सा है क्या? उल्टा हम तुमसे, मतलब हम तुमसे उल्टा पूछने गए थे। इतने प्यार से मैंने तुमसे जाकर के पूछा दोपहर में। तुम्हारा प्यार तो यार अगर मेरे पास कैमरा होता तो मैं उसको रिकॉर्ड करता। तुम्हारा प्यार तो उस टाइम पे जो तुम्हारी हरकतें थी हमने पहले ध्यान नहीं दिया, हमको भी रिकॉर्ड करना चाहिए था। अभी उतने प्रॉपर ब्लॉगर नहीं है ना, इसलिए भूल जाते हैं ब्लॉगिंग करना, बीच बीच की चीजें। अब आगे से देखना, सोए हुए इंसान को कौन आके पूछता है? तुमको जो करना था करके रख देती, हम खा लेते जब उठते तो। बस खाली खाने तक का साथ है क्या? रात को 1 बजे भी सोया हुआ इंसान रहेगा, उसको पूछेगी सो रहे हो क्या? अरे सो, वो मेरी तो बात छोड़ दो, वो दिन भर बेचारा लक्की खेलता कूदता है। अभी इस वक्त उसका थोड़ा तबीयत भी खराब है
उसको भी 1 बजे बोलेगी लक्की मेरा बेटा सो रहा है क्या बेटा, छोड़ बेटा मम्मी सही करती है ना, ऐसी करती ना 1 बजे तुमको उठाती है ना। केयर करना, मैं तो चेक करती हूँ ना कि तुम सो रहे हो सही से कि नहीं सो रहे हो। चलो अभी छोड़ो यार कोई बात नहीं, कुछ गलती वलती हो रही हो तो बताओ। हाँ वही ज्यादा जोर से बोल दिया, सॉरी सॉरी बोल दिया, देखो कान पकड़ के सॉरी बोल। मैं सॉरी से हो गया, गिफ्ट दिला दूंगा यार। और बताओ आज मान लो आज बहुत खुश हो जो चाहिए। हाँ तो अभी तो नहीं याद आ रहा है, ऐसे कोई पूछता है क्या खाना, मेरे बाल कैसे लग रहे थे इधर के सीखने से। अच्छे एकदम जुल्फे उड़ती हुई जुल्फों पे घमंड मत कर मैडम, तेल लगा के चिपका दे। तुम मेरे से फिर भी बात मत करो, मेरा और अपने आप ठीक होगा तब हम बात। अब यार देखो तुमको मैंने बोल दिया, बोलते तो रहते हो, दे दूंगा जो चाहिए बोलो। बोलते रहते हो लेकिन देते थोड़ी हो। देता हूँ यार ऐसा मत करो। देखो आज तक तुमने मुझे कितने गिफ्ट दिए हैं जरा याद करके बताओ। हाँ मैं चलेगा दोस्तों, थोड़ा रात हो गई है, अभी मेरी गर्लफ्रेंड मान गई है, देखो दांत निकाल दिया। नहीं हमारे दांत ऐसे निकले रहते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं। अभी सबको यही पे गुड नाइट बोलते हैं। मैं गुस्से में भी हंसते सभी को मेरे दोस्तों गुड नाइट। हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और वो घंटा दबा दो जो घंटा है। छोड़ो पहले बताओ तुम आलू और प्याज तुम जितने भी लाए हो सबके सब सड़े निकले, मैंने 4-5 आलू फेंकी है और प्याज भी फेंका है।